So in the last session, we have to discuss what are the different types of operating system. Operating system के different types कौन कौन से हैं. So there are various types of operating system. सबसे पहले तो आपको operating system की वो जो main definition है वो पता होना ज़रूरी है कि operating system is the intermediate between user, computer user and the computer hardware. इन दोनों के बीच में operating system work करता है. तो इसके टाइप्स कौन कौन से हैं. हमारा इसके पहले कंपोनेंट्स हो गया है, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कंपोनेंट्स हो गए हैं और कंप्यूटर सिस्टम के भी कंपोनेंट्स पढ़ के हो चुके हैं. आज हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, देन इंटरएक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग टाइप्स हैं. टाइप से इसका मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमें ये पता है कि हम अगर कोई डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम के साथ वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कंप्यूटर सिस्टम है तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम डिवाइस के साथ वर्क नहीं कर सकते. तो सबसे पहले तो जिस प्रकार का आपका एनवायरनमेंट है, जिस अगर आप नेटवर्क में यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे उस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम, उस लेवल का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना ज़रूरी है. सो दीज टाइप्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरनमेंट. तो वो जो भी एनवायरनमेंट में आप वर्क कर रहे हो डिवाइसेस के साथ, उस हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है, बायफर्केट किया गया है. तो जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. तो सीरियल का मतलब होता है सिक्वेंशियल. सिक्वेंशियली जो भी कमांड आप देते हो कंप्यूटर सिस्टम में, वो कमांड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी में, आपके कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी में आती है एज अ जॉब. ठीक है, वो उसके लिए जॉब कहलाती है कंप्यूटर मेमोरी में, और कंप्यूटर को उसको एग्जीक्यूट करना रहता है. तो जो भी जॉब या जो भी कमांड यूज़र के थ्रू दी जाती है वो सबसे पहले एंटर होती है कंप्यूटर के मेमोरी में. मेमोरी में एंटर होने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, और एग्जीक्यूट होने के बाद वो आउटपुट डिवाइसेस पे आपको एज अ आउटपुट करके आपको मिलती है. उसका आउटपुट जनरेट होता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, सबसे पहले वो जो भी कमांड है उसको लेके आएगा मेन मेमोरी में. मेन मेमोरी में लाने के बाद उसको डिसाइड करेगा कि व्हाट आर द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर दैट एग्जीक्यूटिंग दैट जॉब. वो जॉब एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है. रिसोर्सेज मीन्स इन टर्म्स ऑफ मेमोरी यूटिलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ सीपी यूटिलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ टाइम यूटिलाइजेशन. टाइम कितना लगने वाला है, मेमोरी कितनी ऑक्यूपाइड होने वाली है, क्या किस टाइप का जॉब है या किस टाइप का असाइनमेंट है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज लगने वाले हैं, ये सब डिसाइड किया जाता है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. और वो डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. डिसाइड करने के बाद वो रिसोर्सेज देता है उस जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए. रिसोर्सेज देने के बाद वो जॉब एग्जीक्यूट होता है. एग्जीक्यूट होने के बाद जो रिसोर्सेज उसने अलोकेट किए हैं उस रिसोर्सेज को वो डी अलोकेट भी करता है, यानी फिर से वो उसको रिलीज कर देता है उस रिसोर्सेज को आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द जॉब. और फिर उसके बाद आपका आउटपुट जनरेट होता है, और आउटपुट जनरेट होने के बाद वो आपको आउटपुट डिवाइसेस पे दिखता है. मॉनिटर पे दिखेगा, प्रिंटर यूज़ किया है तो प्रिंटर से प्रिंटआउट निकलेंगी, स्कैनर यूज़ किया है तो स्कैन किया जाएगा, वॉट एवर. तो सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका जॉब जो है वो सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. इसलिए उसको सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया है. इन सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब एंटर्स इन सीरियल पैटर्न. सीरियल मीन्स सिक्वेंशियली, वन बाय वन, वन आफ्टर द अदर इन टू द कंप्यूटर मेमोरी. नेक्स्ट जॉब कैन नॉट बी एंटर इन टू द मेमोरी अनटिल द फर्स्ट जॉब इज एग्जीक्यूटेड. जब तक पहला जॉब एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक नेक्स्ट जॉब जो है वो वेटिंग स्टेज में रहेगा. जैसे ही जॉब का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, रिसोर्सेज रिलीज हो गए हैं, फिर नेक्स्ट जॉब एंटर करेगा मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी में, और उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, उसे कहा जाता है सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट वन इज द बैच प्रोसेसिंग या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. बैच, इसमें ही ये वर्ड छुपा हुआ है. बैच का मतलब है ग्रुप बनाना. जैसे आपके क्लास में
60 स्टूडेंट है तो 60 स्टूडेंट के हमने अगर 6 ग्रुप बना दिए तो एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट आएंगे, 10, 10 10 के हमने 6 ग्रुप्स बना दिए। अब ये 6 ग्रुप्स बनाने के बाद जब आप कोई ग्रुप बनाओगे तो ग्रुप में आप वो 10 स्टूडेंट को 1 to 10 के हिसाब से सिक्वेंशियली उसको अरेंज करोगे, ओके। एक ग्रुप में एक ग्रुप बनाया आपने 10 स्टूडेंट का, उस वहाँ पे भी आप उसको सिक्वेंशियली अरेंज करोगे 1 to 10, यानी पहला कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, नेक्स्ट कौन आएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड ग्रुप बनेगा, इसी तरीके से थर्ड बैच बनेगी, फोर्थ बैच बनेगी, फिफ्थ एंड सिक्स, 6 बैचेस बन गए। और ये 6 बैचेस जो बनते हैं, ठीक है, उसी तरीके से आपके जॉब के भी बैचेस क्रिएट होते हैं। जैसे ही आप कमांड दोगे, यूज़र जो कमांड देता है तो वो कमांड्स जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर जो रहेगा सबसे पहले उसके बाद से आएगी और वो उसको बैच में क्या करेगा, सेट करेगा, ठीक है, नंबर ऑफ बैचेस बनाएगा सिक्वेंशियली, हर एक बैच को वो सिक्वेंशियली सेट करेगा उस जॉब के अकॉर्डिंगली। देन उस बैचेस को वो 1 by 1 कंप्यूटर मेमोरी पे लेके जाएगा और उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। दैट इज कॉल्ड एज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। थर्ड वन इज इंटरएक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरएक्टिव का मतलब होता है कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन जो होता है, हम जब भी हमारे हम कोई साइट ओपन करते हैं या ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं किसी साइट के साथ, तो तब जो भी आप कमांड देते हो तो उसका रिस्पांस आपको तुरंत मिलता है। आप अगर एखादी साइट ओपन कर रहे हो, जैसे ही आपने कोई रिक्वेस्ट दी आपको फट से उसका रिस्पांस मिल जाता है, तो उसे इंटरेक्टिव कहा जाता है, यानी तुरंत जल्दी से जल्दी तब के तब होना, इसको इंटरेक्टिव कहा जाता है। तो इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता है ऑनलाइन कम्युनिकेशन के वक्त। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट होते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक टाइम पे नंबर ऑफ जॉब्स एग्जीक्यूट करना एट द सेम टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सेल फोन हो गया, सेल फोन में अभी आप जो, जैसे आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, ईयरफोन लगा रहे हो, ईयरफोन लगा के आप मेरा ऑडियो जो मैं दे रही हूँ या वीडियो जो दे रही हूँ उसको आप सुन रहे हो। साइड बाय साइड हो सकता है कि आप कोई दूसरा काम कर रहे हो उसी आपके पीसी पे या फिर आपके कैल्सी इसमें मोबाइल फ़ोन में। तो एक टाइम पे आप अगर मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हो, मल्टीपल जॉब अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसे कहा जाता है मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एट द सेम टाइम मोर देन जॉब्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब अलग है। मल्टी प्रोग्रामिंग कहाँ पे आता है, इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग जो आता है, जैसे सपोज दैट आप नेटवर्क में, आपके एक नेटवर्क है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक लोकल एरिया नेटवर्क आपने सेट किया हुआ है, ठीक है। तो सेम एट ए वन टाइम एक जॉब मल्टीपल यूज़र के थ्रू अगर शेयर हो रहा है और उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, उसको मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। जैसे सर्वर से कोई डेटा शेयर किया जा रहा है 10 यूज़र्स के थ्रू, और एक ही डेटा है, एक ही फाइल है जो शेयर हो रही है 10 लोगों के बीच में, तो 10 लोग जो है वो एक ही फाइल पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वर्क कर रहे हैं, तो वो अपने लोकल एरिया नेटवर्क पे कर रहे हैं, ठीक है। जब वो उसको सेव करेंगे तब जाके वो सेव होगा सर्वर पे। तो एट द सेम टाइम अगर मल्टीपल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, एक ही प्रोग्राम शेयर किया जा रहा है मल्टीपल यूजर्स के थ्रू, उसे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद आता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम तक हमारा हो चुका था इसके पहले, आज से हम स्टार्ट करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। वर्ड क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि प्रोसेसेस, एक से ज़्यादा प्रोसेसेस यूज करना। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। मल्टीटास्किंग मींस एट द सेम टाइम मल्टीपल टास्क या मल्टीपल जॉब एग्जीक्यूट करना, ओके। मल्टी प्रोग्रामिंग मींस एट द सेम टाइम प्रोग्राम को मल्टीपल यूज़र के थ्रू शेयर किया जाता है और उसको एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। मल्टी प्रोसेसिंग मींस आपका पीसी एक है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम एक है, एक कंप्यूटर सिस्टम को एक ही प्रोसेसर रहता है। जनरली हमने देखा है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में एक ही प्रोसेसर रहता है, बट इस एनवायरनमेंट में हम एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स यूज़ कर सकते हैं। अब उसका बेनिफिट क्या है कि अगर हम
अगर हम इफ़िशियंटली अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो जॉब है या फिर हमारा जो सिस्टम है वो ज़्यादा रिलायबल हो या फिर ज़्यादा ये हो इफ़िशियंट हो, जो हमें तुरंत यानी कुछ भी दिक्कत ना आए, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड जॉब हो वो तुरंत एग्जीक्यूट हो सके, या हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सके एक ही सिस्टम के थ्रू, अगर ऐसे हमें कुछ लगता है, ठीक है, तो उसमें हमारी स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, तो हमारा फिर प्रोसेसर भी उतना अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से अच्छा प्रोसेसर लेने के लिए उतना एक्सपेंसिव भी हो सकता है, उतने पैसे भी हमें अफोर्ड करना ये हो सकता है कि उतना ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेसर लेना और उसको मैनेज करना वो हमारे लिए अगर अच्छा नहीं है या रिलायबल नहीं है, हम नहीं ले सकते, तो वो भी एक दिक्कत आ सकती है। तो अगर मुझे स्पीड अच्छी चाहिए मेरे प्रोसेसर की, तो मुझे उतना अच्छा प्रोसेसर उतने अच्छे कॉस्ट का प्रोसेसर लेना पड़ेगा, तो वो चीज़ मेरे लिए एक्सपेंसिव हो सकती है। सो व्हाई आई एम यू एक्सपेंस मोर मनी इन माय सिस्टम, ठीक है, मेरे सिस्टम पे मैं ज़्यादा मनी क्यों एक्सपेंस करूँ, मुझे नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है, तो मैं एक चीज़ कर सकती हूँ कि मैं उसको मल्टी प्रोसेसिंग कर दूँ। मल्टी प्रोसेसिंग यानी मैं लो कॉस्ट के 10 प्रोसेसर लगा दूँ एक ही सिस्टम के अंदर, तो वो मल्टी प्रोसेसिंग हो जाएगा। अब उसमें शेयर किए जाएंगे वो 10 जो प्रोसेसर, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि 3 प्रोसेसर से, ये CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके, ये 3 प्रोसेसर है जो एक कॉमन बस के थ्रू अटैच्ड है एक सिंगल PC पे, ठीक है, एक सिंगल PC को कॉमन, ये जो कंट्रोल बस रहते हैं आपके, ये बस के थ्रू ये 3 CPU अटैच्ड है। उसके साथ साथ मेमोरी जो है वो मेमोरी शेयर की जा रही है, ये तीनों प्रोसेसर के थ्रू शेयर हो रही है, और ये तीनों प्रोसेसर पे उसकी लोकल कैच है, कैच यानी बफर, उसकी लोकल मेमोरी है, लोकल कैच बफर मेमोरी है जो हर एक CPU के पास है टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है मल्टी प्रोसेसिंग में। तो मल्टी प्रोसेसिंग का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि अगर मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव मनी खर्च नहीं करना है या ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए मेरा सिस्टम, बट इफ़िशेंटली और रिलायबल होना चाहिए, अगर ऐसे मुझे लगता है तो मुझे वहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे देखो, स्पीड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कैन बी इंक्रीज इन द 2 वे, दो तरीके से हम उसकी स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम की। पहला तो ये है कि यूजिंग हाई स्पीड कंपोनेंट, बट दीज आर एक्सपेंसिव एंड दे आर वेरी लेस रिलायबल। एक तो वो एक्सपेंसिव भी है खरीदना हमारे लिए, और फिर भी एक्सपेंसिव होने के साथ साथ वो लेस रिलायबल है, तो ये एक चीज़ हो सकती है कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड बढ़ाने के लिए। दूसरा ये हो सकता है कि इंट्रोड्यूसिंग द मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम विच प्रोवाइड्स द अल्टरनेटिव आर्किटेक्चर फॉर इम्प्रूविंग कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्मेंस। दिस इज अचीव्ड बाय कंबाइनिंग लो कॉस्ट स्टैंडर्ड प्रोसेसर। देखो क्या बोला उन्होंने, मल्टी प्रोसेसिंग अगर बनाना है हमें तो लो कॉस्ट के प्रोसेसर्स को अगर हम कंबाइन कर देते हैं एक ही कंप्यूटर सिस्टम के साथ, कंप्यूटर सिस्टम एक ही है, लो कॉस्ट के अगर ऐसे मैं 10 प्रोसेसर या 3 प्रोसेसर, जैसे ये डायग्राम दिखाई है, 3 प्रोसेसर में कंबाइन कर देती हूँ, दिस इज कॉल्ड एज मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इज दैट इट हैज़ मेनी प्रोसेसर शेयरिंग द कंप्यूटर बस क्लॉक एंड समटाइम द मेमोरी एंड अदर डिवाइसेस। तो यहाँ पे इस सिस्टम में शेयर किए जाते हैं अदर रिसोर्सेज, यानी जैसे उसमें मेमोरी आ गया, अदर डिवाइसेस, हार्ड डिस्क वगैरह, अदर कुछ एक्सटर्नल वगैरह डिवाइसेस आपने अटैच किए हैं वो हो गया, कंप्यूटर बस हो गया जिसके थ्रू आपका डेटा सेंड होता है, कम्युनिकेशन होता है डिवाइसेस के बीच में। दीज आर द रिसोर्सेज आर शेयरेबल बाय यूजिंग दिस मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, इसके थ्रू वो शेयर किए जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है, ओके। देन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग यानी यहाँ पे टाइम को शेयर किया जा रहा है। अब वो कैसे, तो इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड बाय CPU बाय स्विचिंग इन बिटवीन द जॉब्स। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी जॉब्स आपके कंप्यूटर मेमोरी में है, ठीक है, दे आर अरेंज इन अ सिक्वेंशियल पैटर्न में वो अरेंज है, एक एग्जीक्यूट होगा उसके बाद ही दूसरा एग्जीक्यूट होगा। अब ये फंडा यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या चलेगा,
टू डिसाइड द टाइम फॉर ईच जॉब. हर एक जॉब के लिए आप टाइम डिसाइड करोगे कि कौन से जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, एंड टू डिवाइड दैट टाइम्स इन बिटवीन द जॉब्स. सभी जॉब्स में वो टाइम को आप डिवाइड कर दोगे. जैसे ही वो टाइम लैप्स हो गया तो वो स्विच करेगा फर्स्ट जॉब से थर्ड जॉब पे. सपोज दैट फर्स्ट तीन जॉब है, फर्स्ट जॉब तीनों जॉब सिक्वेंशियली अरेंज है 1 2 3 करके, ओके. बट फर्स्ट जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए लेस टाइम लग रहा है, यानी सपोज दैट 5 मिनट्स लग रहे हैं. सेकंड जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए 10 मिनट्स लग रहे हैं और थर्ड जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए 8 मिनट्स लग रहे हैं. 8, ठीक है, ओके. तो सबसे कम किसको लग रहा है? फर्स्ट जॉब को. तो पहले तो फर्स्ट जॉब कंप्यूटर के मेन मेमोरी में आएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा. जैसे उसका टाइम लैप्स हो जाता है, 5 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो स्विच किस पे करेगा? नॉट इन द सेकंड जॉब. सेकंड जॉब पे नहीं करेगा क्योंकि उसको तो 10 मिनट लगने वाले हैं. वो स्विच करेगा 8 मिनट वाले जॉब पे. ठीक है, इस तरीके से टाइम को शेड्यूल किया जाएगा. ठीक है, इस तरीके से टाइम को शेड्यूल किया जाएगा जॉब एग्जीक्यूशन के लिए. दिस इज कॉल्ड एज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू बाय स्विचिंग इन बिटवीन द जॉब्स. स्विचेस ऑकर फ्रीक्वेंटली सो दैट यूजर कैन इंटरैक्ट विद ईच प्रोग्राम व्हाइल इट इज रनिंग एंड वर्किंग ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एज शोन इन द फिगर. तो जैसे यहाँ पे प्रोग्राम 1 प्रोग्राम 2, ये देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको क्या दिख रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो जॉब एग्जीक्यूट करने के लिए. फिर उसके बाद यूज़र ने जो भी जॉब्स दिए हैं, यूज़र प्रोग्राम 1, यूज़र प्रोग्राम 2, सो ऑन, यूज़र प्रोग्राम n, n नंबर ऑफ जॉब्स है. तो अब जैसे हम फॉर एग्जांपल ये 2 प्रोग्राम्स लेते हैं, तो पहला प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, मेन मेमोरी में आ गया, टाइम स्टार्ट हो गया उसका और उसको शेड्यूल किया गया. जैसे ही वो टाइम कंप्लीट हो जाता है तो वो जॉब एग्जीक्यूट हो गया है, तो वो सेकंड जॉब पे सेकंड प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए स्टार्ट कर देगा. तो इस तरीके से ये प्रोग्राम 1 एंड प्रोग्राम 2, ये दोनों भी जो है वो शेड्यूल किए जाते हैं बाय यूजिंग द टाइम शेयरेबल. टाइम को शेयर करने के बाद जैसे ये टाइम इंटरप्ट बोला गया है ना, तो ये शेड्यूल किया गया है. ये जॉब मेन मेमोरी है, यहाँ पे के एंड के प्लस 1, ये क्या है? तो ये गैप है दोनों जॉब के बीच में. ठीक है, ये मेन मेमोरी आ गई, मेन मेमोरी में फर्स्ट प्रोग्राम आ गया, टाइम इंटरप्ट, टाइम स्टार्ट हो गया. वो जितना टाइम है उतने टाइम तक वो जॉब एग्जीक्यूट होगा. जैसे ही वो टाइम, जैसे 5 मिनट है और उन्होंने क्या किया है कि जैसे 5 मिनट लग रहा है फर्स्ट जॉब के लिए और थर्ड जॉब के लिए 8 मिनट्स लग रहा है, तो 5 मिनट को भी उन्होंने डिवाइड कर दिया कि पहले 30 सेकंड तक वो एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद वो जंप करेगा थर्ड जॉब एग्जीक्यूट करने के लिए 30 सेकंड तक, 30 सेकंड कंप्लीट होने के बाद फिर से वो जंप करेगा फर्स्ट जॉब पे. यानी इस तरीके से उस टाइम को डिवाइड किया गया है दोनों जॉब के बीच में, तो उसको शेड्यूल किया गया है बाय यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इसे ऑपरेटिंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है. इन द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ द मेनी यूजर्स टू शेयर द कंप्यूटर सिस्टम एट द सेम टाइम. तो इसका बेनिफिट क्या है कि सपोज दैट एक से ज़्यादा यूजर्स है और आपके पास जो कंप्यूटर सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक ही है, तो टाइम शेयरिंग में एक से ज़्यादा यूज़र के थ्रू उसको शेयर किया जाता है. जैसे जॉब नंबर 1 एक यूज़र परफॉर्म कर रहा है, जॉब नंबर 3 दूसरा यूज़र परफॉर्म कर रहा है. अब जो टाइम अलोकेट किया गया है वो पहले, जैसे 5 मिनट का टाइम लग रहा है मुझे फर्स्ट जॉब एग्जीक्यूट करने के लिए और 8 मिनट का टाइम लग रहा है मुझे थर्ड जॉब एग्जीक्यूट करने के लिए, तो पहले 30 सेकंड मैंने फर्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया. 30 सेकंड कंप्लीट हो जाने के बाद उसी टाइम को मैंने अलोकेट किया 30 सेकंड के लिए थर्ड जॉब के लिए. वो कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से वो जंप करता है फर्स्ट जॉब के लिए. यानी जो टाइम जो है वो शेयरेबल किया जा रहा है एट द सेम टाइम बाय यूजिंग द 2 यूज़र्स, और इस तरीके से ये कंप्लीशन हो रहा है. तो पहले तो वो कौन सा जॉब एग्जीक्यूट होना कंप्लीट हो जाएगा? 5 मिनट वाला, वो तो पहले ख़त्म होने वाला है. फिर उसके बाद रिमेनिंग टाइम जो है वो कंप्लीट दिया जाएगा थर्ड जॉब एग्जीक्यूशन के लिए, यानी 8 मिनट तक. तो पहले 5 मिनट में तो जो है, पहले 5 मिनट फर्स्ट जॉब के 5 मिनट्स एंड थर्ड जॉब के 5 मिनट्स, ओके. ये जो है इन दोनों के बीच में टाइम शेयर होगा 30-30 सेकंड का. जैसे ये 5 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं, फिर बचे रिमेनिंग 3 मिनट्स
फॉर द थर्ड जॉब एग्जीक्यूशन, तो वो उसके लिए फिर कंप्लीट टाइम अलोकेट होगा। तो इस तरीके से टाइम शेयर होता है इन बिटवीन द टू जॉब्स, दिस इज कॉल्ड एज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, देन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज द स्पेशल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन अंडर द स्ट्रिक्ट टाइम लाइन्स। इट इज यूज एज अ कंट्रोल डिवाइस विच एज वेल डिफाइंड फिक्स टाइम रेस्ट्रिक्शन। इन दिस सिस्टम इफ द प्रोसेसिंग डज नॉट ऑकर विद इन डिफाइंड कंस्ट्रक्ट टाइम देन द सिस्टम विल फेल। That is, real-time system will return correct result if and only if the function occur within that time constructs. Real-time operating system generally use किए जाते हैं ये जो हमारे ये जो appliances रहते हैं ना, जो हम use करते हैं घर में, जैसे washing automatic washing machine हो गया, या फिर हमारा microwave oven हो गया, ठीक है। ये जो है ये है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है। फिक्स टाइम अलोकेट होता है डिपेंडिंग ऑन योर क्लॉथ। आप जैसे जो भी क्लॉथ डालते हो, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जिनके घर में है उन लोगों को पता होगा कि हम जो भी पहले क्लॉथ डालते हैं, सपोज दैट मेरे पास 10 क्लॉथ है, तो वो 10 क्लॉथ में जब इंसर्ट करती हूँ मशीन के अंदर, तो सबसे पहले उसका वेट लिया जाता है, और उसका वेट लेने के बाद उस वेट के हिसाब से टाइम को डिसाइड किया जाता है कि कितना टाइम लगने वाला है। आधा घंटा लगेगा, 45 मिनट्स लगेंगे, एक घंटा लगेगा, या डेढ़ घंटा लगेगा। ओके, और उस टाइम में ही आपका जो वॉशिंग का जो फंक्शन रहता है वो कंप्लीट होता है। उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ना ही उससे कम आएगा। तो वॉशिंग का जो फंक्शन है वो डिसाइड होता है आपके क्लॉथ्स का वेट कितना है, और उस वेट के हिसाब से टाइम डिसाइड किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। द कर्नल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द एब्स्ट्रैक्शन लेयर विच हाइड्स द हार्डवेयर डिटेल्स ऑफ द प्रोसेसर फ्रॉम द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज शोन इन द फिगर। जैसे ये हार्डवेयर है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे यानी इसका मतलब ये है कि जनरली इसमें ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली हम हमारे घर के जो अप्लायंसेस रहते हैं, ठीक है, उसमें हम यूज़ करते हैं। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो गया, या फिर हमारा माइक्रोवेव ओवन हो गया, जितने भी अभी लेटेस्ट अप्लायंसेस आ रहे हैं जिसमें ऑटोमेटिक सब चीज़ें होती है। जैसे ही वो टाइम डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू योर मटेरियल, आपका जो मटेरियल है उस हिसाब से वो टाइम शेड्यूल करता है, और टाइम जैसे ही लैप्स हो जाता है आपका जो भी जॉब है वो फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है कम्प्लीटली, ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देन 9.1 इज द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में यूज़ किया जाता है। टेरेनबम एंड वैन रिनीज डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एज फॉलोज। अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन दैट लुक टू द यूजर लाइक अ ऑर्डिनरी सेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम विच रन ऑन मल्टीपल इंडिपेंडेंट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। द की कंसेप्ट इज ट्रांसपेरेंसी। In other word, the use of multiprocessor should be invisible to the user. Another way describing the same idea is to say that user view the system as a virtual uniprocessor, not as a collection of different machine. Distributed operating system use होता है distributed environment में। Distributed environment यानि जहाँ पे सेंट्रली एक सेंट्रल प्रोसेस यूनिट रहता है, और अलग अलग यानी जैसे एक सेंट्रली जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट का एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट मींस जैसे हमारे बैंक्स ले लो, ठीक है, हमारे बैंक्स के ब्रांचेस रहते हैं अलग अलग, ठीक है, एक दूसरे गांव पे एक अलग ब्रांच रहेंगे। फॉर एग्जांपल SBI ले लेते हैं, ठीक है, तो SBI की जो मेन ब्रांच है वो कहीं तो भी एक पर्टिकुलर सेंट्रलाइज है, कहीं तो भी सेंट्रलाइज की गई है जहाँ पे मेन ब्रांच है, और बाकी जो भी ब्रांचेस है उसके नागपुर में अलग अलग एरियाज में ब्रांच है, या फिर किसी गाँव में एक आधी ब्रांच है, या अलग अलग जगह पर ब्रांचेस है।
तो वो सभी ब्रांचेस जो ब्रांचेस है वो लोकल हो गए, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए. लेकिन उसकी जो सेंट्रल बैंक है, जो मेन ब्रांच है, वो उसे सेंट्रलाइज कहा जाता है. तो उस एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट. तो उसी तरीके का वो स्ट्रक्चर रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम का. तो वहाँ पे सीपीयू जो है वो सेंट्रलाइज किया जाता है और बाकी जो भी सिस्टम्स है वो कनेक्टेड रहते हैं उस पर्टिकुलर सीपीयू के साथ. तो वहाँ पे यूज़ की जाता है ये कंसेप्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का. तो उसमें वर्चुअल यूनिप्रोसेसर, उस पर्टिकुलर सिस्टम को वर्चुअल यूनिप्रोसेसर कहा जाता है. यानी एक यूनिक प्रोसेसर है जो वर्चुअली लोकेटेड है और उससे कनेक्टेड है बाकी सब प्रोसेसर्स. तो उसे, उस एनवायरनमेंट को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. देन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम NOS इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ऑफर्स एन एनवायरनमेंट टू द यूजर इन विच दे कैन एक्सेस द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड CPU शेड्यूलिंग रिसोर्सेज लोकेटेड ऑन रिमोट मशीन. By such logging into it, even user can transfer the data from remote machine to their own machine. It is also responsible to access control by multiple user to network resources like files and perform administrative function like security. Network operating system local area network में use किया जाता है, जहाँ पे एक server है और बाकी जब जो भी यूज़र्स है वो लोकल है. लोकल है यानी हर एक यूज़र के पास खुद की मशीन है, लोकल मेमोरी है, लोकल CPU है, बट जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो सर्वर के साथ हो रहा है. तो वो जब लॉगिन करेगा, सबसे पहले लॉगिन करते वक्त तो सबसे पहले सर्वर को लॉगिन करना पड़ेगा और वो खुद को जब लॉगिन करेगा तो वो सर्वर के साथ कनेक्ट होगा. सर्वर पे जो भी डेटा है, जो फाइल्स है, वो शेयर की जाती है बाकी सबके साथ और उस तरीके से शेयर होने के बाद वो उसके लोकल प्रोसेसर पे आती है. लोकल प्रोसेसर पे आने के बाद वो जॉब करता है, जो भी उसका टास्क है वो परफॉर्म करता है और फाइनली फिर उसको सेव करता है अगेन सर्वर पे जाके. तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है नेटवर्किंग में, यानी जहाँ पे लैन स्ट्रक्चर है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में लैन स्ट्रक्चर है वहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है. सो दीज आर द 10 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये 10 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं हमारे, ठीक है, याद रहेंगे सबको अच्छे से. देखो फर्स्ट कौन सा है हमारा, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज रियल सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. सेकंड वन इज बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. थर्ड वन इज इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम. फोर्थ वन इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. फिफ्थ वन इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. सिक्स्थ वन इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. सेवन वन इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. एट वन इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. नाइन्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड 10 इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इस तरीके से 10 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है. ओके, okay?